हेलो एंड वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंपोर्टेंट इवेंट 2019 एंड देयर क्वेश्चंस, यानी महत्वपूर्ण घटनाएं 2019 की और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आप तक लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बाहर आपको एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे लोकपाल की और उसके बाद बात करेंगे हम चंद्रयान की, यानी चंद्रयान और लोकपाल, इन दोनों के क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा जैसे CAA और अयोध्यावाद, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आने वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस वीडियो को जारी किया गया है, यानी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों भाषाओं में वीडियो को बनाया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप बहुत गौर से देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये हमारी सीरीज आगे तक चलने वाली है तो इसके लिए आपको दोस्तों ये वीडियो देखना बनता भी है। इसके अलावा अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। दोस्तों, आप वहां से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। दोस्तों, आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये लोकपाल का लोगो है, यानी दोस्तों इसमें ये तीन जजों की बेंच दिखाई दे रही होगी, ये चक्र भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा ये जो सामने रखी है ये पुस्तक है और ये दो हाथ बताए गए हैं लोकपाल की, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों ये चार चीजें मिलकर हमारे लोकपाल के लोगो का निर्माण करती हैं। आपको ये लोगो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दोस्तों फोटो के जरिए आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा लोकपाल का लोगो है, तो आपको ये चार चीजें याद रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, लोकपाल का मोटो क्या है, व्हाट इज द मोटो ऑफ लोकपाल। तो यह है मां गृधम कश्य स्वा सिद्धनम, ये लोकपाल का मोटो है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे लिए गए हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस जरूर ना करें वरना आपका ही घाटा है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु डिजाइन द लोकपाल लोगो। तो इसका सही ऑप्शन है प्रशांत मिश्रा, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने हाल ही में लोकपाल का लोगो डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल का हिंदी मतलब क्या होता है। तो लोगों का ध्यान रखने वाला लोकपाल का हिंदी मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल के मोटो को किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ईशावास्य उपनिषद से, ईशावाद उपनिषद से लोकपाल का मोटो लिया गया है। ये भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये मोटो किससे लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ईशावास्य उपनिषद। नेक्स्ट है, लोकपाल पद की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 19 मार्च 2019 को लोकपाल पद की स्थापना की गई है। लोकपाल का हेडक्वार्टर कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ लोकपाल लोकेटेड। तो इसका सही ऑप्शन है नई दिल्ली, नई दिल्ली में लोकपाल का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत लोकपाल की शुरुआत हुई है। तो इसका सही ऑप्शन है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 से लोकपाल के पद की संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन अब 2019 में जाके इस पद को बनाया गया है जो लोगों के हित में है और इसका नाम रखा गया है लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच के लिए कि इसके इतने बहुमत का आवश्यकता होगी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों स्वयं की 2/3 लोगों की स्वीकृति, यानी इसका क्वेश्चन का आंसर यह है दोस्तों कि अगर लोकपाल को प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच करनी है तो उसे कितने बहुमत की आवश्यकता होगी। तो जो उसकी स्वयं की जो बेंच है उसमें 2/3 लोगों की स्वीकृति होना अनिवार्य है, यानी जैसे कि अगर 10 लोग हैं उनकी बेंच में तो कम से कम 5 और 6 का रेशियो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल कितने सीटों की व्यवस्था है। तो ये कुल 9 सीटों की व्यवस्था है, यानी एक प्रमुख लोकपाल होंगे और उनके अंदर 10 लोग कार्य करेंगे, तो ये 9 लोगों की एक बैठक व्यवस्था है। तो आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन दिया गया था कि प्रधानमंत्री के बहुमत के लिए कितनी आवश्यकता है, तो इन 9 लोगों में से प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच के लिए आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रपति जी, यानी हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं वह लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका सही ऑप्शन है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का लोकपाल का कार्यकाल होता है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल कितनी उम्र तक इस पद पर रह सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 70 वर्ष की आयु तक, अप टू 70 वर्ष की आयु तक या 5 साल तक इस पद पर लोकपाल रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल का वेतन किसके द्वारा दिया जाएगा।
तो CFI यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा लोकपाल का जो वेतन है वह दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, यानी हु इज द करंट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो पिनाकी चंद्र घोष, जिन्हें 21 मार्च 2019 को भारत का पहला लोकपाल बनाया गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, नाम है PC घोष या पिनाकी चंद्र घोष, जिन्हें 21 मार्च 2019 को लोकपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो ये भी पिनाकी चंद्र घोष ही हैं जो भारत के पहले लोकपाल हैं, जिन्हें 2019 में लोकपाल बनाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं चंद्रयान 2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में, तो आप ये वीडियो बहुत गौर से जरूर देखें। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में ले जाया गया था, तो इसका सही ऑप्शन है GSLV-M3-M1। इस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाया गया था। चंद्रयान के रोवर का नाम क्या था, तो प्रज्ञान चंद्रयान के रोवर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान के लैंडर का नाम क्या है, जिसका सही ऑप्शन है विक्रम। विक्रम चंद्रयान के लैंडर का नाम है, चंद्रयान 2 है दोस्तों, यहां पर चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की सीरीज है, जैसे ही जितने भी इंपोर्टेंट इवेंट 2019 में हुए हैं उनसे रिलेटेड हम सारे वीडियो आप तक लेके आने वाले हैं एक एक करके। और दोस्तों जो 2020 से जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे वह हम मंथली तरीके से लेके आएंगे, यानी जनवरी में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट या जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड उनके क्वेश्चन हम आप तक लेकर आएंगे उसी मंथ के एंड में। जैसा कि दोस्तों ये सीरीज भी हमारी चलने वाली है, आपको बता दें आगे जो भी जैसे CAA से संबंधित जितने भी प्रश्न थे या अयोध्या से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हम आप तक इसी सीरीज में आगे लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों चंद्रमा की सतह पर पानी और खनिज की खोज करने के अलावा भी चंद्रयान 2 के मुख्य उद्देश्य थे। जैसा कि दोस्तों चंद्रयान की सतह पर चंद्रमा की सतह पर नक्शा बनाना, चंद्र की सतह पर पानी और बर्फ की खोज करना, इसके अलावा चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर जहां पर कोई भी अभी तक ना तो नासा ना ही कोई और देश अपना कोई भी यान नहीं भेज पाया है, वहां पर हम अपने चंद्रयान 2 को उतारने वाले थे, यानी दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 उतरने वाला था। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली यह थोड़ी सी टेक्निकल खराबी की वजह से असफल हो गया, लेकिन काफी हद तक सफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 की कुल लागत कितनी है, तो 978 करोड़ रुपए चंद्रयान 2 की कुल लागत है। ये एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चंद्रयान के कितने मॉड्यूल थे, तो 3 थे, यानी ऑर्बिटर रोवर और लैंडर, ये 3 मॉड्यूल थे चंद्रयान के। इसी वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्बिटर रोवर क्या क्या है। तो जैसे कि आपको बता दिया रोवर है विज्ञान, लैंडर है विक्रम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिटर की जो सौर ऊर्जा की क्षमता थी वह कितनी थी, यानी हाउ मच सोलर पावर डिड द ऑर्बिटर हैव। तो इसका सही ऑप्शन था 1000 वॉट, 1000 वॉट की सौर ऊर्जा की क्षमता ऑर्बिटर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडर की सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी थी, तो 650 वॉट लैंडर की सौर ऊर्जा की क्षमता थी, यानी यह जो सौर ऊर्जा के द्वारा लैंडर है यह 650 मेगावाट क्षमता अपने अंदर रख सकता था। नेक्स्ट है, रोवर की सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी थी, तो 50 वॉट यह रोवर की सौर ऊर्जा की क्षमता थी, और दोस्तों यही फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जहां चंद्रयान के लैंडर और रोवर की काम करना था उस जगह का नाम क्या था, तो इसका सही ऑप्शन था दोस्तों मैजिनस सी और सिंपेलियास एन, यानी इन दो जगह पर चंद्रयान 2 लैंडर और रोवर ये अपनी काम करते, लेकिन चंद्रयान 2 थोड़ा सा विफल हो जाने के कारण ये मैजिनस सी और सिंपेलियास एन पर नहीं उतर पाया था। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 की मूल तारीख बताइए जिस दिन इसे भेजा जाना था। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 15 जुलाई 2019 को, 15 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को भेजा जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण इसे 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, यानी एक हफ्ते का ब्रेक लिया गया था चंद्रयान 2 को भेजने में।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की लोकपाल और चंद्रयान 2 के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए दोस्तों और लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जैसे और भी जो 2019 की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जैसे CAA, इसके अलावा अयोध्या विवाद, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन का वीडियो हम आप तक लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा जो 2020 में जनवरी से इम्पोर्टेंट इवेंट होंगे वो उसी महीने में आप तक लेकर आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस सीरीज को आप देखना ना भूलें।